तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ केएफसी स्टाइल क्रिस्पी चिकन बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको क्रिस्पी चिकन बनाने का। ज़्यादातर हम लोग क्रिस्पी चिकन बनाते हैं ना, कोटिंग नहीं होती है, ज़्यादा ही मोटी कोटिंग हो जाती है, टेस्ट नहीं आता है चिकन में। क्यों नहीं आता है देखिए, ऐसे चिकन के ऊपर क्रिस्प नहीं आते हैं, कई बार चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है, क्यों रह जाता है, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपने वीडियो पूरा देखना है। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, थाई और लेग और विंग्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चिकन की कटिंग कर लेंगे, लेग और थाई को अलग कर देंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है लेग के पास में, अगर आप ज्वाइंट के ऊपर नाइफ चलाएंगे ना तो आसानी से लेग अलग हो जाता है। ऐसे आप चाहें तो विंग्स के भी एक के दो पीस कर सकते हैं, विंग्स को भी अलग कर सकते हैं। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे, नमक डालेंगे आधा छोटा चम्मच, फिर एक छोटा चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं हो तो आप विनेगर डाल सकते हैं लेमन जूस की जगह। तो एक बड़ा नींबू मैंने निचोड़ दिया है चिकन के अंदर। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, मैंने यहाँ पे क्रश काली मिर्च का यूज किया है। फिर पेपरिका पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच, पेपरिका पाउडर ना हो तो लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। लहसुन का पाउडर डालेंगे, गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा इसमें ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज कर सकते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। ऑरेगानो डालेंगे थोड़े से, अगर आपके पास प्याज का पाउडर हो तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपने चिकन को स्पाइसेस के साथ मैरिनेट कर लेना है, और मैरिनेट करने के बाद आपने चिकन को कम से कम 10 से 12 घंटे तक फ्रिज में रख लेना है, तभी चिकन के अंदर तक इन स्पाइसेस का फ्लेवर जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। एक बाउल लेना है और उसमें आपने दो एग तोड़ देने हैं। एग का यूज किया जाता है चिकन की कोटिंग की बाइंडिंग के लिए, तो एग को तोड़ के आपने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देना है, और साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का क्रश डाल देना है। अब एग्स को आपने अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से बीट कर लेना है। केएफसी स्टाइल चिकन बनाने की और भी कई सारी रेसिपीज हैं, आप चिकन को बटर मिल्क विद स्पाइस के साथ भी मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, बट ये मैं आपको आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ आज केएफसी स्टाइल चिकन बनाने का। एग्स फेंटने के बाद आपने इसमें एक चम्मच मैदा डालना है और थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है एग्स के साथ मैदा को भी। अब मैदा क्यों डाला है इसमें, मैदा बाइंड करने के लिए हेल्प करेगा एग्स की कोटिंग को, चिकन के ऊपर बाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे मैदा और एग्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है, इस तरह से आपने सेकंड कोटिंग बना के तैयार करनी है। अब थर्ड कोटिंग बनाएंगे। एक बाउल के अंदर 200 ग्राम आपने मैदा डालना है, साथ में आपने इसमें 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने तोड़ डाला है ताकि चिकन एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने। नमक डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च का क्रश डालेंगे। बाहर की कोटिंग में भी स्पाइस डालना बहुत जरूरी होते हैं, तभी कोटिंग में टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, या लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, गार्लिक का पाउडर डालेंगे, और साथ में इसमें थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा चिकन के लिए तीसरा मिक्सर भी तैयार हो चुका है। अब आपने इस मिक्सर के अंदर थोड़े से पानी के छींटे मारने हैं, पानी के छींटे मार के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। ये क्यों किया, ताकि मैदे के अंदर थोड़े से ना लम्स बने, लम्स बनेंगे तो चिकन के ऊपर अच्छे क्रिस्प आएंगे। और अगर आप इस मिक्सर में कुछ और अलग करना चाहते हैं तो आपने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं और बिल्कुल क्रश करके डाल देने हैं। देखिए इस तरह से क्रश करके डाल के कॉर्नफ्लेक्स को भी आपने मिक्सर के साथ मिक्स कर लेना है और अच्छे से क्रश कर देना है। वैसे तो मैदे में पानी के छींटे मार के ही अच्छे क्रिस्प आ जाते हैं चिकन के ऊपर, बट कॉर्नफ्लेक्स डालने से ना और ज़्यादा क्रिस्प आते हैं। तो ये हमारा देखिए अब प्रॉपर तरीके से तीसरा मिक्सर बन के तैयार हो चुका है। चिकन को मैरिनेट होते हुए 8 घंटे हो चुके हैं, आप 12 घंटे तक चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, बट मैरिनेट करके आपने जरूर रखना है, तभी इसके अंदर तक टेस्ट आएगा। तो चलिए अब इसको हम देखिए कैसे कोट करते हैं। चिकन लेना है आपने, सबसे पहले ड्राई मिक्सर में डालना है, देखिए जो हमने अभी बाद में तैयार किया था ड्राई मिक्सर उसमें डालना है, और हल्का हल्का सा आपने बाहर से डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद आपने देखिए ऐसे चिकन को उठाना है और दूसरे वाले मिक्सर में डालना है जो हमने एग वाली बाइंडिंग तैयार की थी, और उसमें अच्छे से आपने चिकन को देखिए ऐसे कोट कर देना है, और अच्छे से कोट करने के बाद फिर से ड्राई मिक्सर में डालना है। देखिए ड्राई मिक्सर में डालने के बाद आपने ऊपर से इसके ऊपर मैदा डाल देना है और अच्छे से इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने ज़ोर से इसको एक बार दबाना है ऐसे, ताकि चिकन के ऊपर अच्छी कोटिंग आए और चिकन हमारा जले ना, और ज़ोर से आपने इसकी डस्टिंग को देखिए ऐसे झाड़ देना है। तो इस तरह से देखिए आपने चिकन को बाइंड करना है। अब दूसरा दिखाता हूँ, लेग पीस दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ड्राई डस्टिंग में डालिए जो हमारी ड्राई कोटिंग है, लेग पीस को अच्छे से आपने कवर कर देना है, और एक्स्ट्रा मैदा आपने इससे निकाल देना है।
फिर इसको एग वाली कोटी में डालेंगे और एग वाली कोटी में अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए अच्छे से एग से कवर कर देना है और एक्स्ट्रा कोटी निकलने देनी है। फिर से इसको मैदे वाली डस्टिंग में डालेंगे जो हमने तीसरी डस्टिंग बनाई थी और अच्छे से देखिए ऐसे कवर कर देना है चिकन को। अच्छे से कवर करने के बाद वैसे ही आपने चिकन को ऊपर से ज़ोर से दबाना है ताकि अच्छी कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, ये देखिए। और अच्छे से दबाने के बाद आपने वैसे ही चिकन को कोटिंग के बीच से उठाना है और इसको ऐसे ज़ोर से झाड़ देना है ताकि चिकन के ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए और चिकन के बाहर से अच्छे क्रिस्प बने। और लेग के नीचे वाले हिस्से में ना ड्राई मैदे की थोड़ी डस्टिंग और कर लेनी है ताकि नीचे से जले ना। तो अभी हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो होना चाहिए। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आपने चिकन को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो चिकन के बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा और आपका जो चिकन है ना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ज़्यादा चिकन को हिलाना नहीं होता है, बस मीडियम टू लो फ्लेम में इसको आराम से फ्राई होने दीजिए। कि देखिए बार दिखा देता हूँ आपको, बस आप चिकन को कम से कम 7 से 8 मिनट तक आपने ऐसे ही फ्राई करना है। जब चिकन के बाहर से बबल्स दिख रहे हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका चिकन पक चुका है। तो पूरे 7 से 8 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई होने देना है। ये देखिए दिखा देता हूँ आपको कितने अच्छे चिकन के ऊपर क्रिस्प आए हैं। इस तरह से अगर आप चिकन बनाएंगे ना फ्राइड चिकन तो ऐसे ही चिकन के ऊपर क्रिस्प आएंगे। तो ये देखिए पूरे 8 मिनट चिकन को फ्राई होते हो चुके हैं और चिकन के बाहर से बबल्स आ रहे हैं ना वो आना बंद हो चुके हैं। तो हमारा जो चिकन है मतलब यहाँ पे पक चुका है। तो चिकन को अभी हम निकाल देते हैं एक करके। और एक बात, लास्ट में आपने 30 सेकंड के लिए गैस की फ्लेम बढ़ा देनी है ताकि चिकन के ऊपर अच्छा गोल्डन फ्राई कलर आए। इस तरह से देखिए क्या जबरदस्त क्रिस्प आके तैयार हुए हैं। और एक बात बता देता हूँ, आपने उतना ही चिकन कोट करना है कोटिंग के अंदर जितना चिकन आपने फ्राई करना हो तभी ऐसे क्रिस्प आएंगे चिकन के ऊपर। तो ये देखिए तीनों पीस मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिए हैं, बाकी बचा हुआ चिकन है उसको भी ऐसे ही कोट करके फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ चिकन बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना जूसी है। देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी हो रहा है चिकन और अंदर से दिखाता हूँ अंदर से चिकन पका है नहीं पका है। देखिए देख सकते हैं कितना जूसी हमारा चिकन अंदर से बना हुआ है।